हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेटो। पिछले वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक था वो था द नदर्न प्लेन्स डिवीजन पार्ट टू, जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे जो नदर्न प्लेन्स है उनको कुछ पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है। तो अभी तक जो हमने अभी हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें से जो हिमालयन माउंटेन्स है उनको जो हमने कंप्लीट कर लिया। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे सबसे पहले हिमालयन माउंटेन है उनको हमने जान लिया। उनके नीचे फिर आते हैं नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स को भी हमने जान लिया। और नदर्न प्लेन्स के बाद फिर क्या आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो आते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा फिजिकल फीचर है इंडिया में। तो पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये क्लास। तो देखिए, पेनिनसुलर प्लेटो का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटो ये दो वर्ड हो गए, पेनिनसुलर और प्लेटो। अब पेनिनसुलर क्या होता है अब ये हम जान लेते हैं। तो पेनिनसुलर उसे कहते हैं जब कोई भी जो लैंड है वो जो है तीन तरफ से वाटर बॉडी से जो घिरा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, और प्लेटो क्या होता है, प्लेटो क्या होता है कि जो टेबल लैंड जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले पेनिनसुलर को हम जानते हैं। तो पेनिनसुलर क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इधर उसके लैंड है, मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है इधर उसका वाटर है, इधर इधर साइड वाटर है, इधर वाटर, यानी कि मान लीजिए कि ये जो लैंड है ये तीन जगह से जो वाटर बॉडी से घिरा है, तो इस जगह को क्या कहेंगे हम लोग, ये एक पेनिनसुला है। ठीक है, अब प्लेटो क्या होता है, प्लेटो जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन लैंड है। ठीक है, अब इस प्लेन लैंड से ऊपर अगर लैंड होता है, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए बहुत दूर तक, तो इस तरीके से टेबल जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है जो कि प्लेन लैंड से ऊपर तक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्लेटो कहेंगे, यानी कि पठार। ठीक है, तो ये होता है पेनिनसुला, उसे कहते हैं जो लैंड जो है तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो। और प्लेटो जो है क्या होता है, टेबल जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेन लैंड से जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, ना ये माउंटेन इतना ऊंचा होता है ना ये प्लेन जैसे जो है नीचे होता है, ये जो है दोनों के बीच में जो होता है। ठीक है, जिसे हम लोग प्लेटो के नाम से जानते हैं। तो अब पेनिनसुलर प्लेटो का क्या मतलब, यानी कि वो जगह जो कि एक पेनिनसुला है और उसी पेनिनसुला में जो है प्लेटो भी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, तो जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको बताया कि ऊपर तो जैसे जम्मू कश्मीर, तो ऊपर क्या है जम्मू कश्मीर के बाद फिर और भी कुछ कंट्रीज है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, ये सब जो कंट्रीज है, तो इंडिया के तो ऊपर वाले पार्ट में लैंड है, लेकिन जो इंडिया का हम नीचे वाला की लैंड की बात करें, ठीक है, जो इस तरीके का जो लैंड है, ठीक है, तो ये क्या है, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इधर क्या है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, और ऊपर क्या है, ऊपर जो है अलग अलग कंट्रीज है, यानी कि ऊपर भी जो है क्या है, ऊपर जो लैंड मास है, तो तीन तरफ से पानी से घिर गया इस तरीके से। ठीक है, तो अब इंडिया क्या हो गया, इंडिया एक पेनिनसुला हो गया। ठीक है, और इसी पेनिनसुला वाले पार्ट में जो है क्या है, इसी पेनिनसुला वाले पार्ट में जो है आपको बहुत सारे प्लेटोज देखने को मिलेंगे। तो पेनिनसुला और प्लेटो को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेनिनसुला और प्लेटो, यानी कि इंडिया का ये वाला पार्ट तो पेनिनसुला है ही, और इसी पार्ट में जो है प्लेटोज भी जो है पाए जाते हैं। देखिए, ऊपर इधर माउंटेन्स पाए जाते हैं, फिर नदन प्लेन्स पाए जाते हैं, नदन प्लेन्स के बाद फिर ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे प्लेटोज पाए जाते हैं। तो अब ये जो प्लेटोज है इनके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो पेनिनसुला और प्लेटो को मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, जो कि इंडिया, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुलर प्लेटो है। तो ये हमने जान लिया कि पेनिनसुलर प्लेटो का क्या मतलब होता है आखिर। ठीक है, पेनिनसुला यानी कि लैंड मास डेट इज कवर्ड बाय थ्री वाटर बॉडीज, तीन तरफ से जो पानी से घिरा होगा लैंड मास। और प्लेटो क्या कहते हैं कि जो कि प्लेन लैंड से जो थोड़े से ऊपर तक जिस तरीके से जो है उठा हुआ, तो ये हमने जान दिया। तो अब इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो पार्ट है इसको ही जो है हम जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पेनिनसुला भी है और वहाँ पे प्लेटो भी है, तो पेनिनसुलर प्लेटो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसके बारे में जो है हम जानते हैं। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो बना किस चीज से है, यानी कि वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, तो वो बना है इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से। इग्नियस रॉक से क्या होता है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। अब जब वही लावा जब थोड़ी देर के बाद जब ठंडा हो जाता है तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपने जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे कि सेवन्थ क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था और सिक्स क्लास में भी पढ़ा था।
वही मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होता है जो कि ज्यादातर जो टेम्परेचर्स है ठीक है हीट से, तो उस टाइप के जो रॉक्स होते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं। तो इस टाइप के रॉक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और अधिकतर पार्ट जो है प्लेटो का ऐसे बना है ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग कि किस समय पे जो है पेनेंसुलर प्लेटो बना था ठीक है, पेनेंसुला तो पहले से ही था ठीक है, लेकिन प्लेटो कब बना था ठीक है। तो हमने जो है गोंडवाना लैंड के बारे में जाना था, तो जो गोंडवाना लैंड है अब जैसे मान लीजिए क्रस्ट ही है, क्रस्ट के नीचे क्या है मेंटल है जो कि सेमी लिक्विड है, वहां पे क्या है मैग्मा है। तो उसमें से हमने जाना था कि कन्वेंशनल करेंट्स जो है निकलते हैं जो कि प्लेट्स को जो तोड़ देते हैं ठीक है। क्रस्ट में बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स होते हैं, तो इसी तरीके से गोंडवाना लैंड में बहुत बड़ा था पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया ठीक है अफ्रीका का कुछ पार्ट ठीक है, पूरा जो है एक लैंड था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में जब कन्वेंशनल करंट आने लगे उसकी वजह से वो अलग अलग पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक है। इसी तरीके से फिर वहां पे एक प्लेट बना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ठीक है, तो वो जो है क्या था नीचे था लेकिन फिर वो जब टूट गया तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन गया उसका, और वो जो है ऊपर की तरफ जो है ड्रिफ्ट करने लगा, और ऊपर क्या था ऊपर था यूरेशियन प्लेट। तो जब ऊपर की तरफ जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था जब वो ड्रिफ्ट कर रहा था ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ समय के बाद वो टकराता है ऐसे जैसे हिमालय बनता है ये हमने जाना था। तो जब वो ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था उसी टाइम पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इन प्लेटोज का जो फॉर्मेशन हुआ ठीक है, जो कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी जो है पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कब बना था ठीक है, किस समय पे। एक तो जो गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड में जब कन्वेंशनल करंट आना स्टार्ट हुआ उसकी वजह से पेनेंसुला बना ठीक है, इस तरीके का पार्ट जो है हो गया। और जो पेनेंसुला है ठीक है, तो पेनेंसुला के बीच में फिर क्या हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो है प्लेटूज बने, इस तरीके से फिर पेनेंसुला प्लेटू का जो है निर्माण होता है, फिर ये ऊपर आता है ठीक है। तो इसलिए हमने जाना था कि क्या कहा जाता है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो ज्यादा नया है अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साउदर्न पार्ट से। तो किस लिए कहा जाता था, क्योंकि इंडिया का साउदर्न पार्ट बहुत पुराना था, फिर कुछ साल के बाद फिर टकराता है यहाँ पे, फिर हिमालय बनते हैं, हिमालय की वजह से फिर इधर वाले पार्ट में फिर नदन प्लेन्स बनते हैं, इस तरीके से फिर और भी फिजिकल फीचर्स बनते हैं। लेकिन उससे पहले जो है क्या बन गया था, पेनिनसुलर प्लेटू बन गया था ठीक है, ये हमने जान दिया। और जो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो रीजन है यानी कि ये जो वी टाइप का जो शेप है इस तरीके से इंडिया का यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इस वाले रीजन में पूरा इधर नॉर्थ से लेके यहाँ तक क्या है यहाँ पे प्लेटूज आपको जो है देखने को मिलेंगे, और इसके जो कोने कोने आप देखेंगे यानी कि इस वाले रीजन में ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल्स यानी कि माउंटेन जो है देखने को मिलेंगे ठीक है। अब जब माउंटेन्स है तो यहाँ पे आपको वैलीज भी जो है देखने को मिलेंगे ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब साउथर्न पार्ट में जो है प्लेटूज यही है, प्लेटूज के साथ क्या है हिल्स भी है और वैलीज भी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है। तो ये सब चीज जो है हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जान लिया कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पेनिनसुलर प्लेटू जो है किसे कहते हैं। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको भी जो है टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है ठीक है। एक पार्ट को डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, दूसरे पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। तो डेक्कन प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड ठीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है इसको हम जान लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को अलग अलग जो है पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इंडिया का ये वाला पार्ट जो है ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से कुछ है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो नॉर्थ है यहाँ पे क्या है नॉर्दर्न प्लेन से ठीक है, और ऊपर इस वाले रीजन में जो यहाँ पे हिमालय पूरा जो इधर तक जो है गए हुए हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है इधर से जो स्टार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट नीचे से जो है क्या स्टार्ट होता है प्लेटो जो है स्टार्ट होते हैं, जो कि इस तरीके से जो है वो ट्रायंगल टाइप के शेप से बने हुए हैं। अब इसको जो यहाँ से जो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो नॉर्दर्न पार्ट में जो प्लेटो है इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सेंटर में इंडिया के, और जो साउदर्न पार्ट में जो है ठीक है इसको क्या कहा जाता है इसको डेक्कन प्लेटो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो डिविजन्स हुए जो सेंट्रल में जो प्लेटो पाया जा रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट नीचे उनको जो है सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, और जो साउदर्न पार्ट में जो प्लेटू पाए जा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है उनको डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और इसके बगल में जो आपको माउंटेन जो दिखते हैं जो हिल्स है यहाँ पे ठीक है,
तो एक को जो ईस्टर्न घाट कहा जाता है, एक को वेस्टर्न घाट जो कहा जाता है। ईस्ट वाले पार्ट जो है ठीक है, जहाँ पे हिल्स पास जाते हैं उसको ईस्टर्न घाट, और वेस्ट वाले पार्ट को जो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वाला जो है ये वाला, और इसको जो है वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इनके बारे में भी जो हम जानने वाले हैं ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या हो गया, इंडिया का एक फिजिकल फीचर हो गया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स तो है ठीक है, हिमालयन माउंटेन, ये भी एक इंडिया का फिजिकल फीचर हो गया। नॉर्दर्न प्लेन भी फिजिकल फीचर हो गया, प्लेटू भी एक फिजिकल फीचर हो गया, और ईस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट जो माउंटेन्स है वो भी एक तरह से एक फिजिकल फीचर हो गया। तो इनके बारे में भी जो हम अपने आगे की वीडियोज में जो है जानने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट्स के बारे में जो है जानने वाले हैं। आई होप ये जो वीडियो है जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।